इंजीनियर्स, अब बारी है बीम के हर एक रेनफोर्समेंट को समझने की, कहां पर किस तरह से दिया जा रहा है। एल बाय थ्री दे रहा है, एल बाय फोर दे रहा है, एल बाय फाइव दे रहा है, एल बाय टू दे रहा है, किस हिसाब से दे रहा है। अब हर एक पॉइंट को आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज बात करने वाले बीम में जो रेनफोर्समेंट दी है उसकी वजह क्या है। तो मैं तीन टॉपिक में ये पूरे वीडियो डिवाइड किया हूं। सबसे पहले आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट क्या होने वाला है बीम का। साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन कोई से भी अपन लोग के जो इंडिविजुअल बार्स हैं, रेनफोर्समेंट है, उसके बीच में कितना गैप रखना चाहिए जिसके कारण पूरा कॉन्क्रीट अच्छे से निकल सके और वो अपने लिए सेफ हो। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो रेनफोर्समेंट है उसका क्यों ऐसा दिया जा रहा है। कहीं पर L बाय फोर दिया जा रहा है, कहीं पर L बाय टू दिया जा रहा है, कहीं पर पॉइंट L दिया जा रहा है, तो इस तरह से अलग अलग क्यों किया जा रहा है बीम के केस में भी। इसी तरह से अपन लोग स्लैब के केस में भी देखे थे लास्ट वीडियो में, अब बात करेंगे बीम के केस की। तो सबसे पहले चलते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात करूं तो IS 456 में बहुत अच्छे से दिया है। अब कौन से क्लॉज में दिया है वो भी बता देता हूं। 26.5.1.1 उस क्लॉज में क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। कुछ थ्योरी में दिया है उसको चेंज कर देते हैं, अपन लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने हिसाब से। अब कभी भी एरिया ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं उसमें मिनिमम एरिया की बात कर रहे हैं, और मिनिमम एरिया की बीम के केस में बात करें तो कितना होता है 0.85 B × D। अब बी क्या है आपकी विड्थ, डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ। अब यहाँ पर अपन लोग टोटल डेप्थ नहीं लिखेंगे, टोटल डेप्थ अलग होता है, इफेक्टिव डेप्थ अलग होता है, वो समझना है, अपन लोग बाद में बात करेंगे उसके लिए। डिवाइड बाय FY क्या है आपकी स्ट्रेंथ, किस चीज़ की, स्टील की, तो ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैक्सिमम कितना बार डाल सकते हैं, मैक्सिमम कितना एरिया डाल सकते हैं रेनफोर्समेंट का, वो कैसे पता चलेगा 4% ऑफ BD। अब यहाँ पर देखिए D कैपिटल है, ये D कैपिटल क्या इंडिकेट कर रहा है, पूरी डेप्थ जो आपकी बीम की है। अब इफेक्टिव डेप्थ क्या हो गई, आपका जितना इफेक्टिव क्लियर कवर है उसको माइनस कर देते हैं कैपिटल D से, तो आपका स्मॉल D आ जाता है। इसके बारे में भी पूरा डिटेल में वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में जाके देखेंगे। आज के वीडियो में अपन लोग को मेन क्या जानना है कि L बाय टू, L बाय फोर, L बाय फाइव क्यों आ रहा है, उसको अपन लोग आगे चल के देखते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। इसके कारण इसको पहले रखा हूँ जिससे आप लोग इस चीज़ को छोड़े ना, वो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपन लोग उसको पूरा कवर करेंगे डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। अब बात कर लेता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल बार कैसे डिसाइड करें। अब यहाँ पर डिफरेंस क्यों हो रहा है कि अपन लोग को गैप क्यों करना पड़ रहा है, दो हॉरिजॉन्टल बार है आपके, वहाँ पर बीच में अपन लोग को गैप क्यों देना पड़ रहा है, रेनफोर्समेंट के बीच में स्पेस क्यों देना पड़ रहा है, जिससे कॉन्क्रीट, अपन लोग के कॉन्क्रीट किससे बना है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, तीन चीज़ से मिलकर बना है, परंतु वो पूरा एक होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, वो आसानी से पास हो सके, इसके लिए भी पूरा डिटेल वीडियो है, वो आगे चल के देखते हैं। अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले SP34 का रेफरेंस ले रहा हूँ, आपको आखिरी में बताता भी हूँ कि कौन से कोड का रेफरेंस लिया हूँ, परंतु इस बार पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही एक डायग्राम मैं SP34 का ले लूँगा, इसके बाद पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। इस तरह का कोई बीम देखे हो कॉलेज के समय आप लोग सॉल्व करते थे, अरे भाई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में भी आता था हरदम, क्या है दो तरह फिक्स है और ऊपर यूनिफॉर्म लोड लगा है। इसी तरह की अपन लोग की भी बीम होती है, क्या होता है आजू बाजू फिक्स है, ऊपर वॉल लोड आ गया, सेल्फ वेट आ गया, पॉइंट लोड की बात आगे करते, तो इसका नॉर्मल अपन लोग कहीं शियर फोर्स डायग्राम बनाए तो इस तरह से कुछ बनता था, अभी काम नहीं आने वाला, शियर फोर्स डायग्राम नहीं बनाना सिखाने वाला, ना आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने वाला, परंतु ये अपन लोग को याद होगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से होता था। अब यही खासियत है पूरा आपके रेइंफोर्समेंट की। अब यही क्यों डिसाइड कर रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ऊपर पर क्या आ रहा है, आपका बेंडिंग आ रहा है, नीचे पर आ रहा है, ऊपर पर आ रहा है, यही डिसाइड कर रहा है कि आपका कहाँ कहाँ टेंशन आ रहा है, जिसके कारण वो बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा है, जहाँ जहाँ जनरेट हो रहा है ना वहाँ वहाँ अपन लोग को एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। अब इसी के चक्कर में टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा का खेल आता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मूवमेंट जनरेट हो रहा है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, और सेम यहाँ पर, तो इन जगहों का अपन लोग को ध्यान रखना पड़ता है। अब इसी को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपन लोग की एक बीम है, ठीक, आजू बाजू कोई सपोर्ट होगा, क्या दिख रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट जनरेट हो रहा है, तो उस हिस्सा को मार्क कर देता हूं, फिर बीच में जनरेट हो रहा है, ओके, और उसके बाद किनारे पे हो रहा है, यही हो गए आपके टॉप एक्स्ट्रा। अब ये क्या हो गया बॉटम एक्स्ट्रा। यहां पर अपन लोग एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे, बाकी जगह जितना रिक्वायर्ड है वो अपन लोग एक सिंगल लाइन पे डाल दिए, जो अपन लोग की जनरली क्या आती है 2 × 12 mm की, वैसी नीचे 2 × 12 mm की, परंतु ये इतने के बाद स्ट्रक्चर सेफ नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा जनरेट हो रहा है,
मूवमेंट ज्यादा जनरेट हो रहा है, इसके कारण अपन लोग यहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा और इस तरफ टॉप एक्स्ट्रा देते हैं। यही पूरा इंपॉर्टेंट है टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा देने का। अब इसी को चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं कि एक ही बार में करके दे दे तो अपन लोग को यहाँ पर एक दो तीन बार यूज करना पड़ रहा है, तीन बार कटिंग करना पड़ रहा है, बार की मेहनत लग रही है, लेंथ तो लगभग उतनी है, तो इसी को मिला दिया जाता है इस तरह से। ऊपर बनाता हूँ थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो ये हो गया आपका बेंड डब्बा, यही इतना सही राज है। अब अपन लोग बात करते हैं इसकी लेंथ की, इसका लेंथ कितना होगा वो कैसे डिसाइड करें। इसका लेंथ ना अपन लोग स्लैब के केस में देखे थे कि क्या होता है, यहाँ पर जितना है यहाँ पर उतना है, दोनों सेम है कब, जब आपका फिक्स सपोर्ट है दोनों तरफ। परंतु अपन लोग के स्ट्रक्चर में ऐसा थोड़ी ना होता है, इसके आगे भी तो और सपोर्ट रहेंगे। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है, यहाँ उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है वैल्यू। किस चीज की वैल्यू, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस की। परंतु बीम के केस में ना ये ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, स्लैब के केस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसी कारण स्लैब के केस में क्या हुआ था, फॉर्मूला याद होगा आपको, यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू कितनी थी। नहीं याद है तो वीडियो अच्छे से देखे नहीं हो, स्लैब का वीडियो जाके देख लेना। अब चलते हैं SP34 क्या बोल रहा है, अब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर जो बार दिख रही है ये क्या है आपकी, टॉप एक्स्ट्रा बार, जो ये बार सीधी आती जा रही है पूरी, ये क्या हो गई आपकी टॉप मेन बार। यहाँ पर देखते हैं ये जो डार्क से दिख रहा है ये क्या है, टॉप एक्स्ट्रा बार। यहाँ पर जो नीचे दिख रही है बॉटम मेन बार, उसके ऊपर बॉटम एक्स्ट्रा, इस तरह से पूरे बार डिवाइड है। अब ये बार डिवाइड समझ में आ गया ना, तो अब आगे की चीजें समझ में आएगी। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, कभी भी जो भी आपका बेंडअप हो रहा है, बार बेंडअप हो रही है या फिर आप टॉप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसको कम से कम आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। कभी भी बेंडअप कर रहे हैं तो इस पोर्शन में तो आपकी बार पूरी बेंडअप हो चुकी होनी चाहिए। तो अपन लोग इन जनरली जो मिनिमम वैल्यू है उससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, जो कि ये है, कितना है 0.25L। अब यहाँ पर L देखना है, L वर्ग, ये क्या हो रहा है, इफेक्टिव लेंथ। कई बार ड्रॉइंग क्लियर लेंथ से आती है तो इसके कारण 0.25 की जगह 0.3 आ जाता है, 0.4 आ जाता है, अलग अलग वैल्यूज आ जाती है, या फिर 0.33 भी आया भाई। अब इसी को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 0.25L और लिख सकते हो L/4, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, हाँ भाई एक ही है। इस तरह से अब L/4 का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना बोला 0.25L, नीचे देखते हैं, ये नीचे जब अपन लोग टॉप एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं तो बॉटम एक्स्ट्रा की भी बात कर लेते हैं। बॉटम एक्स्ट्रा कितना दूर होना चाहिए, सिर्फ 0.1L, सिर्फ 0.1L। इस तरफ भी देखते हैं 0.15L। अब ये 0.15L क्यों बढ़ गया, मैंने बताया था आपको इस तरफ आता है तो क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, कुछ यहाँ पर ऊपर पर वैल्यू चालू होगी, यहाँ कहीं से आएगी, फिर यहाँ कहीं से, तो ये डिस्टेंस जो इसके सेंटर से, सेंटर का है, ये मैं बी मान लेता हूँ, ये सेंटर से ए मान लेता हूँ, तो हर दम बी वैल्यू बड़ी रहेगी ए वैल्यू से। परंतु ये मैंने डाउनवर्ड के लिए बताया, अपवर्ड के लिए मैंने पहले ही सेफ साइड होने के लिए यहाँ पर क्या लिख दिया 0.25 और दूसरे तरफ भी 0.25। परंतु जब आप साइड में काम करते जाएंगे तो क्या देखेंगे, कई बार ये 0.25 चेंज हो गया। अब नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं, वहाँ पर कहाँ चेंज हुआ है और क्यों चेंज हुआ है उसको भी देखते हैं। अलग अलग तरह की रेनफोर्समेंट की ड्राइंग देखेंगे ना तो उसके बाद ये दिक्कत ही नहीं आने वाली। अब एक और आपको राज बता दूं, ये 0.25 या फिर मैं बोलूं L/4 और L/3 कहाँ होता है ना, ये मुझे भी नहीं पता। हाँ भाई सही बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, ये डिपेंड करता है आपके जो मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताया था ना उसके ऊपर। अब ये चीज़ तो अपन लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कौन से बीम की कौन सी होने वाली है, या फिर हर एक कॉलम हर एक बीम में जाके चेक भी नहीं कर सकते, इतनी सारी बीम्स है कैसे चेक करें। तो उसके हिसाब से ड्राइंग के हिसाब से इसको अपन लोग चेंज करते हैं, जहाँ पर जैसी नीड हो उस हिसाब से अप्लाई करते हैं। परंतु ना इसमें कुछ कुछ और रूल्स आ जाते हैं, अब उसको देखते हैं। ये सब रूल्स क्यों ला रहे हैं, जिससे आपका स्ट्रक्चर ज़्यादा सेफ हो। अब ये एक और ड्राइंग है, अब ये ड्राइंग क्या बोलती है उसको समझते हैं। सबसे पहले ये मेंशन कर दिए कौन सी आपकी थ्रू आउट है, थ्रू आउट क्या हो गई मेन बार, कौन सी एक्स्ट्रा है, ये थ्रू आउट मतलब ये जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग से लेके जो एंड तक गई है वो थ्रू आउट हो गई, ये आपकी एक्स्ट्रा बार हो गई, वैसी बॉटम के लिए। अब साथ ही साथ इसने डिस्टेंस को मेंशन तो कर दिया, यहाँ पर देखिए 0.1L, यहाँ पर 0.15L, जैसे अपन लोग के IAS कोड में था। ऊपर देखते हैं 0.25L1, ये भी मेंशन कर दिया। परंतु इसने एक और कंडीशन डाल दी, क्या
LD। अब आपको डेवलपमेंट लेंथ भी निकालना है और उन दोनों को कंपेयर करना है, डेवलपमेंट लेंथ और 0.25 LY। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जिसका आंसर ग्रेटर आ रहा है उसको लेंगे। अब ये क्यों किया? हो सकता है वहाँ पर बीम बहुत छोटी छोटी हों और उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा हो, उसके कारण इनको ये करना पड़ा, जिससे जितना डेवलपमेंट लेंथ है उतना तो आपको यहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ प्रोवाइड करनी ही है। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक आप लोग किसकी बात कर रहे थे? LY4 की बात कर रहे थे, जो कि है 0.25 L। अब L क्या है ये मत पूछना, लास्ट वीडियो में एक जन ने ये भी पूछ दिया कि L क्या है। सर पूरी राम कहानी हो जाएगी, तब मत पूछो। L आपका लेंथ है। अब वो लेंथ क्या है आपको ड्राइंग से देखना पड़ेगा, हो सकता है वो इफेक्टिव लेंथ हो या फिर आपका क्लियर लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या हो रहा है? आपका सेंटर टू सेंटर। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता था, कॉलेज के दिन याद करो, इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं देखना। अब दूसरा क्या है? क्लियर लेंथ क्या है? दो आपके कॉलम के बीच का जितना क्लियर स्पेन है, जहाँ पर बीम को कोई सपोर्ट नहीं है, खुलेआम बैठा हुआ है बीम, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका हो जाता है क्लियर सपोर्ट। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है, अभी तक तो मैंने पूरा बताया आपको, क्या बताया? L/4 के बारे में। परंतु यहाँ पर ड्राइंग में मुझे दिख रहा है L/3। सर आपने तो L/4 बोला था, ये ड्राइंग वाला तो L/3 रखा है। पहले एक चीज़ ये भी बता चुका हूँ, वो ड्राइंग वाले की मर्जी है, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। परंतु इसको थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पर क्या लिख दिया? L, ठीक है भाई, L तो पहले भी बात की थी। परंतु L ये कौन सा है? ये है क्लियर लेंथ। अपन लोग अभी तक जो देख रहे थे L, वो क्या था? इफेक्टिव लेंथ। इसके कारण ये चेंज हो गया, यहाँ पर L/3 आ गया। L/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.33 L। अब यहाँ पर L1 रहेगा। अब इसने एक और कंडीशन दे दी भाई, ये बोला मैं ज़्यादा सेफ रहूँगा, तो इसने क्या बोल दिया? यहाँ पर जब अपन लोग सेंटर की बात कर दें, तो आप L1 और L2 दोनों को कंपेयर कर लेना। L1 की वैल्यू निकालना L1/3, L2 की वैल्यू निकालना L2/3, और उसके बाद आंसर देना, जो ज़्यादा होगा वो लेना। अब इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब ये ड्राइंग को ज़्यादा सेफ करने के लिए इस तरह दिया। अपन लोग ने एक और चीज़ देखी थी, यहाँ पर क्या लिखा है? 1/5। 1/5 क्या होता है भाई? 0.1 तो होता है, ठीक। यहाँ पर देखते हैं 1/5, फिर से 0.1। अब ये ड्राइंग रीड करके बताओ, यहाँ पर क्या दिख रहा है? इस तरह से कुछ दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? 2/5 है कि 1/5 है? कमेंट करके बताना, कितने लोग को नहीं पता, पता चल जाएगा अभी। ये क्या लिखा है? L2 by 5। ये इसका मतलब ही वही हो रहा है, L2 1/5, वेट इज L2 into 0.1। L2 का मतलब ये नहीं है कि 2/5 हो गया। इसी तरह से ड्राइंग रीडिंग पे मिस्टेक होता है। अब एक और डायग्राम देखते हैं। अभी तक अपन लोगों ने क्या देखा? एक तरफ L/4 था, ठीक है, एक बार L/3 था, ठीक है। अब एक डायग्राम में दोनों आ गए तो कैसे? परंतु यहाँ रखना, ये स्टार्टिंग वाला हिस्सा अधिकतर कम ही होगा कभी भी दोनों आए तो। अब ये क्या है? 0.5 L1, मतलब L/4। परंतु अब इस ड्राइंग का मुझे L नहीं पता है क्या है, तो इसके कारण मैं जज नहीं कर पाऊँ कि ये ड्राइंग कैसे क्यों हुई। परंतु दूसरी साइड क्या दिया? 0.3 L1। अब वो 0.3 L1 क्यों दे पाया? हो सकता है वो L का लेंथ चेंज किया हो। L का लेंथ नहीं चेंज किया होगा, इफेक्टिव लेंथ भी होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इस साइड में आपका कम डिस्टेंस होता है, ये आपका क्या होता है? A बोला था मैं आपको, और दूसरी तरफ का B। तो हरदम याद रखना क्या बोला था, A is greater than B। अब यहाँ पर क्या होता है कि A इज ग्रेटर देन B होता ही है, परंतु अपन लोग कई बार सपोज कर लेते हैं दोनों इक्वल भी है। तो इस केस में क्या है, ये डिस्टेंस हरदम छोटी रहेगी, ये डिस्टेंस बड़ी रहेगी। एक और अच्छा काम किया है, टॉप मेन बार में आपको कहाँ लैपिंग लेना है वो भी मेंशन कर दिया। अब ये भी जानना है कि कौन सा लैपिंग जोन होता है, टॉप में कहाँ देना है, बॉटम में कहाँ देना है, बीम में कहाँ देना है, स्लैब में कहाँ देना है, कॉलम में कहाँ देना है, उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूरा डिटेल में अपन लोग बात करेंगे। साथ ही साथ याद रखना, हम लोग जितनी भी चीज़ें बात कर दें, जितनी चीज़ें IS कोड में है, मैं मेंशन करते रहा हूँ कि ये IS कोड है। ये क्यों कर रहा हूँ? आपको पहले भी बताया हूँ, हो सकता है कि आपसे कोई पूछ ले, साइट में काम कर रहे हो, चीफ इंजीनियर आ गया, बोल दिया ये गलत कर रहे हो, आप बोल रहे हो सर सही है, आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग पास करने गए हो, फिर मना कर दिया भाई ये गलत कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ आपने IS कोड के हिसाब से ली है, या फिर SP कोड के हिसाब से ली है, या फिर आपको एज्यूम करना पड़ा है किसी कारणवश, वो क्या कारण है वो आपको पता होना चाहिए। इसके कारण आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। अब ये पूरी चीज़ कहाँ दी है आपको? SP 34 में दी है, साथ ही साथ IS 456 2000 में दी है।
होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं अच्छा लग रहा है तो सेव करके रख लो, बाद में भूल जाओगे कि यहाँ वीडियो अपन लोग देखे थे और इसका पर्पस क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले बनी रहिए सिविल गुरुजी के साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।